हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, इस समय सुबह के 10:30 बज रहे हैं, तो ये वीडियो बनाने का रीज़न ये था कि आज हम जा रहे हैं इलाहाबाद, और हमारे टीचर साथी भी हैं, और टीचर साथी में हमारे रामू सर भी हैं और अजय सर हैं, हम भी हैं। तो जा रहे हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद में हम आपको PNP दिखाएंगे, जिसको कहते हैं कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी के जो है कॉलोनी, वहाँ पे जाएंगे। हमको नहीं पता है कहाँ पे है, लेकिन इलाहाबाद में है। तो रामू सर जा रहे हैं साथ में, तो वही दिखाएंगे। तो जैसे भी प्रोसेस होगा फ्रेंड्स, हम आपको दिखाएंगे। इसमें हम PNP आ गए हैं, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, यही है ना? हाँ, रामू सर। देखिए, हमारे रामू सर है असिस्टेंट प्रोफेसर, और वहाँ पे देखिए प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण दिया जाता है। कहाँ अवध हो? जो कार्यक्रम और जिला प्रशिक्षण संस्थान में सही है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। सूख जाएगा। रामू सर हैं, हम उन्हीं से पूछेंगे कि ये क्या होता है, तो हम लेकर चल रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर रामू सर और ये अकाउंटेंट सर। तो रामू सर, आप बताइए इस समय हम कहाँ पे हैं? माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का परिसर, हेड ऑफिस, राज्य शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश। गाइस, देखिए ये PNP का पूरा बिल्डिंग है, और वहाँ पे देखिए सिक्योरिटी लगे हुए हैं, और वहाँ पे जो दिखाए थे गाइस, वो वहाँ पे PNP मजिस्ट्रेट थे, और वहाँ पे जो फूल बनाया गया था कितना सुंदर था। ये पूरी बिल्डिंग PNP के अंडर में आती है। यहाँ पे हम लोग कुछ कार्य से आए हुए हैं। हाँ, ये जितनी बिल्डिंग आपको दिख रही है सब PNP के अंडर में आती है। और देखिए, रामू सर और अजय सर जहाँ जा रहे हैं, वो देखिए वहाँ पे लिखा गया है अतिथि गृह। हम आपको वीडियो जूम करके दिखाते हैं। हे गाइस, देखिए इसी गाड़ी से हम लोग आए हैं, जिसका नाम है स्कॉर्पियो। ये हमारे मैनेजर साहब की गाड़ी है। सर,
यहाँ पे देखिए खड़े हुए हैं और हम आपको बता रहे थे कि हाँ बता चुके हैं देखिए यहाँ पे पार्किंग कितना अच्छा किया गया है देखिए वहाँ पे लिखा गया है कार्यक्रम स्थल राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज जी जितनी बात है ये पूरी बात बताएंगे बताइए सर बताइए ये बेसिक शिक्षा निदेशालय है ना बेसिक शिक्षा चयन आयोग जी उसी का है ना माध्यमिक शिक्षा का परिसर है उस परिसर में एक छोटा सा मिनी गार्डन है कह लिया जाए तो ये ठीक राज शिक्षा संस्थान के गेस्ट हाउस के सामने है ठीक है जैसा कि वो बोर्ड लगा हुआ है देखिए अतिथिगृह और कार्यक्रम स्थल लेफ्ट में है राज शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज यहाँ की विशेषता यह है कि द्वाब नाम सुने होंगे जो दो नदियों के क्षेत्र होता है या दो नदियों के बीच का स्थान होता है तो वहाँ ये बसा हुआ है हमारा हाथ देखते हुए देखिए लेफ्ट की तरफ गंगा आ रही है और राइट की तरफ यमुना दोनों जाकर यहाँ संगम बना रही हैं और उसी के बीच में ये संस्थान बसा हुआ है दोनों के भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए मिड पॉइंट पर ये बसा हुआ है बगल में ही कुछ किलोमीटर की दूरी पर नैनी है जो इंडियन टाइम स्टैंडर्ड जोन है जहाँ से भारत का समय निर्धारण होता है गाइस जो हमको दिखाना था हम आपको दिखा चुके हैं और वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं यह ब्लॉग कैसा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए शेयर करिए और वीडियो में नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जय हिंद।